पार्षद प्रत्याशी वार्ड 96 में विकास कार्य किया जारी। पार्षद प्रत्याशी निजी खर्चे से करवाया विकास कार्य। जाजमो वार्ड 96 से पार्षद प्रत्याशी की दावेदारी कर रहे हाजी सवाब अरवार उर्फ आसू अपने निजी खर्चे से क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत करवाने के साथ अपने वार्ड की शिवान लाइन इलाके में एक नई बोरिंग करवाई है, जिसका लोकार्पण करने के लिए छाबरी विधायक हाजी हसन रूमी पहुंचे। विधायक ने फीता काटकर समरसेबल पंप का लोकार्पण किया। पार्षद प्रत्याशी हाजी सवाब अब्रार ने बताया कि बीते कई वर्षों से सिवान लाइन इलाके की जनता पानी की समस्या से जूझ रही थी। क्षेत्र की जनता ने शिकायत कर अवगत कराया, जिस समस्या का निवारण करवाया गया। छाबनी विधायक ने बताया कि गड्ढा मुक्त अभियान के तहत क्षेत्र की सारी सड़कों को जल्द गड्ढा मुक्त किया जाएगा। वहीं दूसरी पार्षद की तैयारी कर रहे शाबाब ने मल्लाह टोला के एक क्षतिग्रस्त गली की मरम्मत करवाया। क्षेत्र की जनता ने हाजी सवाब को फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया, साथ ही पार्षद प्रत्याशी के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। आरटीआई न्यूज के लिए कानपुर से नौशाद अहमद की खास रिपोर्ट। विधायक जी, आज आप सीमा लाइन आए हैं, यहाँ पे क्या किस चीज का? देखिए, हमारे साथी हाजी अब्रार साहब के बेटे आशु ने अपने पैसों से यहाँ पे समरसेबल लगवाया, उसके उद्घाटन के लिए उन्होंने हमको बुलाया, उसी लिए मैं आया हूँ सीमा लाइन में। इस क्षेत्र में कई सड़कें ऐसी हैं जो जर्जर हालत में पड़ी हैं। पिछले 50 साल से बताया जा रहा है कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ है और कोई सड़क नहीं बनी है, सड़कें खुदी भी हैं और आपके चटेटा वालों ने, नमामि गंगे वालों ने पूरी रोडें जो बनी भी थी उसको भी खोद डाला, तो इसलिए यहाँ की हालत बहुत बुरी है और इंशाल्लाह जल्दी यहाँ की हालत की सुधार काम के सिलसिले में यहाँ भी विकास की बात आगे बढ़ेगी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।